अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे FSC मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5। इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट एच। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 टेंड्स टू 0 इंटीग्रल ऑफ 1 टेंड्स टू 0 ई की पावर 2x माइनस 2x होल स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 1 dx। अब हम इसमें सपोज करेंगे ये पार्ट, इस पार्ट से हमारे पास जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। तो हम सपोज करेंगे लेट e की पावर 2x माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d बाय dx ऑफ e की पावर 2x माइनस 2x इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय dx। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या जाएगा, ये e की पावर 2x अपनी जगह पे, अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे 2x का, d बाय dx ऑफ 2x माइनस, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 पावर यहां पे आ जाएगा तो इससे 2 आ जाएगा और इक्वल टू dt डिवाइड बाय dx। ये हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय dx। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे बन जाएगा 2 e की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय dx। इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो इससे बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। ये dx हमारे पास यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt और ये 2 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ये जब वहां पे चला जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 है। इसमें हमारे पास 2 की वैल्यू ये सपोज की गई है और इसके dt डिवाइड बाय d2 हमारे पास इक्वल है इसका e की पावर 2x माइनस 1 dx, ये हमारे पास इसका इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें ये लिमिट्स दिए गए हैं इसको अब हम फाइंड करेंगे तो बन जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो हम ये 1 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे सिर्फ इस इक्वेशन में तो इससे बन जाएगा e की पावर 2 1 माइनस 2 x की जगह पे 1 लग गया तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा e की पावर 2 माइनस 2। एक ये वैल्यू है, अब व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो इससे बन जाएगा e की पावर 2 0 माइनस 2 0 इज इक्वल टू इस e की पावर, इससे 0 बन जाएगा और ये हमारे पास माइनस 0 आ जाएगा तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 तो कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 0 हमारे पास 1 का इक्वल है तो इससे ये आंसर आया। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको और इसको यहाँ पे गिवन इंटीग्रल में पुट करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 0
एंड ई की पावर 2x माइनस 2x होल स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 1 डी एक्स। इससे हमारे पास बन जाएगा, ये हमने t का सपोज किया था और ये हमारे पास यहाँ पे आया है इक्वेशन 2 डी टी डिवाइड बाय डी टू। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, पहले तो हम ये लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास e की पावर 2 माइनस 2 e की पावर 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे 1 पुट किया और ये हमने t का इक्वल लिया था, इस पे अपना स्क्वायर आया और ये हमारे पास इक्वल है डी टी डिवाइड बाय 2 का। तो 2 1 ओवर 2 हमने यहाँ पे लिख ली और डी टी यहाँ पे लिख ली। तो इससे हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इससे बन जाएगा t की पावर 3, इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इससे बन जाएगा t की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और लिमिट अपनी जगह पे आ जाएगा e की पावर 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 2 अपनी जगह पे और इससे 1 ओवर 3 बन जाएगा, 1 ओवर 3 t की पावर 3 इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास इसका लिमिट है e की पावर 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इससे बन जाएगा 1 ओवर 6 t की पावर 3, लिमिट आ जाएगा e की पावर 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इससे बन जाएगा 1 ओवर 6 अपनी जगह पे, t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ये पुट करेंगे t की जगह पे हम पुट करेंगे e की पावर 2 माइनस 2 और माइनस, फिर t की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 और यहाँ पे t पे अपना क्यूब है तो इस पे भी क्यूब आए और इस पे भी क्यूब आ जाएगा। इससे बन जाएगा, इससे हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 6 अपनी जगह पे और e की पावर 2 माइनस 2 होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, हमारे पास 1 ही आता है तो हमने यहाँ पे 1 लिख ली। ये अब इस तरह आ जाएगा 1 ओवर 6 अपनी जगह पे। इस e की कीमत कैलकुलेटर में मौजूद है तो इसका पावर ले ले, वो यहाँ पे लिख ले और फिर उससे 2 माइनस करें, ठीक है, और क्यूब अपनी जगह पे माइनस 1 अपनी जगह पे, फिर ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 6 अपनी जगह पे। तो इस e की पावर जब हमने ली थी तो इससे 2 माइनस करें तो इससे यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी और फिर क्यूब अपनी जगह पे माइनस 1 अपनी जगह पे आ जाएगा और 1 ओवर 6 हमारे पास अपनी जगह पे आ जाएगा और इस वैल्यू का जब हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1 करेंगे उससे माइनस 1 जब हम करेंगे तो इससे बन जाएगा 1 ओवर 6 अपनी जगह पे आ जाएगा और इस वैल्यू से जब हम माइनस करेंगे 1 को, फिर इस तरह करेंगे कि इसको 6 पे डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा तो इसको हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें आंसर लाके देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।